वादी जम्मू कश्मीर का दामन एक बार फिर खून से लाल हो उठा है। चुन चुन कर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। सन 90 का वो खौफ फिर से जाग उठा है। कश्मीर में हिंदू आबादी एक बार फिर से दहशत में है। आतंकी सपोलों के राइफल्स के निशाने पर हिंदू लोग आ गए हैं। पहले एक कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की उसके ऑफिस में घुसकर हत्या कर दी गई। फिर कश्मीर में रजनी बाला नाम की टीचर की गोली मारकर हत्या। उसके बाद कश्मीर में ही एक बैंक मैनेजर की दिन दहाड़े बैंक में घुसकर गोली मार हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, इससे पहले भी एक हिंदू रेहड़ी वाले को गोलियों से भून दिया गया था। इन सिलसिलेवार घटनाओं ने कश्मीर में रह रही अल्पसंख्यक हिंदू आबादी को खौफजदा कर दिया है। ऐसे में उन्होंने जान बचाने के लिए खुद को कश्मीर से बाहर भेजे जाने की मांग उठाई, तो केंद्र भी उस पर सोचने को मजबूर हो गया। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ ब्लॉक में कई बैठकें हुई, जिसमें केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बताया कि घाटी में बढ़ती हिंसा के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि इस तरह की घटनाएं जिहाद से संबंधित नहीं है, बल्कि ये सब घाटी में कुछ हताश तत्वों की ओर से किया जा रहा है। कश्मीर में टारगेट किलिंग से डरे सहमे हिंदुओं ने खुद को कश्मीर से बाहर भेजे जाने की मांग की थी, जिस पर गंभीरता से विचार करते हुए सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि कश्मीरी हिंदुओं को कश्मीर के बाहर तो नहीं, लेकिन कश्मीर में किसी दूसरे सुरक्षित ठिकाने पर स्थानांतरित किया जाएगा। इस संबंध में नॉर्थ ब्लॉक में तीन दौर की बैठकें हुईं, जिसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ अरविंद गोयल, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के चीफ सामंत गोयल, पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी शामिल हुए। इस दौरान पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने गृह मंत्री को उठाए जा रहे एहतियाती कदमों की जानकारी दी। गौरतलब है कि कश्मीर में टारगेट किलिंग को लेकर देश की सियासत भी गर्मा उठी है। इसे लेकर विरोधी दलों के नेता भी केंद्र सरकार पर आक्रामक दिखाई दिए थे। इस पर जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र पर सवाल खड़े किए, तो वहीं महिला टीचर रजनी बाला की हत्या के बाद फारूक अब्दुल्ला की ओर से बेहद विवादित बयान सामने आया था। मीडिया कर्मियों ने जब उनसे इस वारदात पर प्रतिक्रिया जाननी चाही, तो उन्होंने कहा था कि सब मारे जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की हत्याएं रोकनी हैं, तो कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म पर फौरन रोक लगाई जानी चाहिए। उनके इस बयान की खूब निंदा की गई थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।